हाँ ये शुरू करते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का रिजल्ट कैसे देखें। चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरा फुल वाच के साथ यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का रिजल्ट कैसे देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपका 12:45 है तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेंगे। इसमें इसमें जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सरकारी रिजल्ट, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें यहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये ऊपर भगाएंगे तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट रिजल्ट में यहाँ पर आ रहा है यूपी पॉलिटेक्निक जी का, यहाँ पर शो होगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें यहाँ पर देखिए नीचे भगाएंगे ये पा रहा है डाउनलोड रिजल्ट सर्वर वन सर्वर दो दो रहा है, तो हम इसके लिए सबसे पहले सर्वर वन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस करते हैं। जैसे मेरा सीजन एक्सपायर हो गया, सर्वर वन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो गया निगम, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जैसे कि आपके अपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जैसे कि मैं अपना डाल दिया, इसे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मांगेगा, यहाँ पर 5 जो कि यहाँ पर लिखा गया कि 7Q94 डालकर यहाँ पर अपना डाल दीजिए। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए जैसे कि मैं इस पर साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं नेट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, खुल जाएगा। साइन अप क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस है, जैसे देखा अभी साइन अप हो रहा है, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। साइन अप हो जाने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको OTP की कहाँ, उसके लिए आप मोबाइल नंबर या ईमेल आई दोनों पास से कोई भी मंगा सकते हैं। जैसा कि मैं अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस सेंड OTP कर दिया। तो मुझे एक OTP प्राप्त होगा, जैसे मैं अपना OTP कॉपी कर लिया, आपके सामने वैसे कुछ थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, आपके सामने ऐसे खुलेगा। यहाँ पर मैंने अपना OTP डाल दिया, जैसे इसी नंबर पर आपका OTP जाएगा। OTP भरने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। देखिए आपको दिखा रहा होगा, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, उसमें देखिए आपके सामने जैसे खुल जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट अगले वीडियो में आया कि यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर आ गया रैंक स्कोर कार्ड, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। रैंक स्कोर कार्ड पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिससे आपको देखिए आपका रैंक स्कोर कार्ड आ गया है। इससे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, रोल नंबर, ग्रुप एफ, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, इसे आपको देखे रैंक कार्ड, मार्क दिखा रहा है, नाम स्कूल दिखा रहा है, इसमें आप अपना रैंक दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, आप जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, जाकर अपना काउंसलिंग करा लीजिए। ओके।